आपका रुमाल उड़ के आ गया था हमारे घर पर। शुक्रिया। तो कभी बिजली होती नहीं है, हद हो गई। मेरे बावर्ची के सिवा किसी ने भी एड़ियां उठा के दीवार के पास झांकने की कोशिश नहीं की। इस पर भी वो लोग हमें शरीफ न समझते थे और सलाम का जवाब भी तलखी से दिया करते थे। मेरा जो गाननामा तुमने मुझे यहां सुनने के लिए चाय की दावत दी वो अपनी नौइयत का बिल्कुल अनोखा इशारा था जो मैं एक इफ्फत मां लड़की की खातिर कर सकता। शायद तुम में उसे समझने की सलाहियत तो ना हो, तरीके तुम यकीनन कायल हो जाओ। उन दिनों में मेरा एक अदर साथी और एक अदर बावर्ची कृष्ण नगर में रहा करते थे। आदाबर से जनाब। आ गया भाई पाटे खान। देख भाई मैंने तेरी ये फटीचर तस्वीर उतार दी है, इसकी जगह अपना नया शाहकार लगा रहा हूँ। उसका नाम है हसीना मूछो वाली। और देख उसको उतारने की कोशिश नहीं करना वरना वो मूछो समेत फ्रेम से निकल के मारेगी। चल अब जल्दी से खाना मंगा ले, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल शाबाश। खाना सुबह ही दो अंडे खाए थे आपने? वो कल की खुराक थी वजीर खुराक, मेरी खुराक पे नजर लग। रजिस्टर से मेरी मुलाकात बस यूं ही सरसरी। सिंध से खजिस्ता की फूफी सिर्फ बात पक्की करने यहाँ आई और कई दिनों से यहाँ रह रही थी। एक दिन दोपहर को उन्होंने जहांगीर के मकबरे की सैर का प्रोग्राम रखा जो मैंने अपने कोठे पर से बगैर एड़ियां उठाए सुन। हाँ हाँ बस खाना पकते ही निकल खड़े होंगे। सुना है इतना बड़ा है कि एक दिन क्या 3 दिन चलते रहने से भी पूरा नहीं देखा जाता। अरे नहीं बाजी, एक दोपहर ही काफी है। फिर भी सवेरे ही चलेंगे।
अरे मेरे पान और थोड़ा कथा भी मंगवाना है, कहाँ मिलेगा? लेकिन चाहिए वही वाला जो पिछले हफ्ते सुरैया के बेटे से मंगवाया था। यहाँ लाहौर में और सब ठीक है, बस यही एक मसला है भाई, हमारे हैदराबाद में तो हर जगह पान का सामान एक जैसा मिलता है। बाजी मैं मंगवा दूंगी, आप इतनी फिक्र ना करें। ये बताइए कि आज सुनार को कितने बजे बुलवाना है? आप उससे बात करना चाह रही थी ना? हाँ किसी वक्त भी बुला लो। ये लड़की कहाँ रह गई? जरा बुला दो उसे, कह रही कि अचार की तरकीब बता रही। जिस जुमे उन्हें मकबरे की सैर को जाना था उस दिन सुबह ही सुबह उनके घर पकवान पकने लगे और उन पकवानों में सबसे बढ़ चढ़ के खजिस्ता ने हिस्सा लिया। क्योंकि कफकीर बार बार देगची से टकरा रहा था, मुझे मालूम हो गया कि कोई अनाड़ी बावर्ची अपनी फुर्ती की दाद लेना चाहता है और उनके घर में खजिस्ता के अलावा कौन अनाड़ी हो सकता था। उधर मैं अपनी साइकिल को कीमती हेयर ऑयल से माला माल कर रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि जहांगीर का मकबरा शहर से काफी दूर है और वहां पहुंचते पहुंचते अच्छी खासी साइकिलें भी जवाब दे जाती। मेरा इंतजार न करना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। See the mountains kiss high heaven and the waves clasp one another. No sister flower could be forgiven if it disdained its brother. And the sunlight clasps the earth and the moonbeams kiss the sea. What is all this sweet world worth if thou kiss not me? Thou ka matlab? Aur ye मून बीम्स जनाब, आपको किसका मतलब तो पता है ना? यारे वो तो सबको ही पता है। पता नहीं कितनी देर में मकबरे की चार दीवारी के गिर्द घूमता रहा। जुमे का दिन होने की वजह से कोई शख्स भी उधर सैर को ना आया। मैं चार दीवारी की मेहराबों को बार बार गिनकर चार से ज़र्ब देता रहा और तीन से तकसीम करता रहा। एक बजे के करीब सदर दरवाजे के सामने एक तांगा रुका और उसमें से तीन बुरका पोश औरतें उतरीं। उनमें से एक बुरका गहरे नीले रंग का था और उसकी सैंडल की एड़ियां घिसी हुई थी। खजिस्ता के बारे में तो मैं बताना ही भूल गया। बड़ी खूबसूरत आंखों वाली लड़की थी और जो चीज ज्यादा गौर से मैंने देखी थी वो उसकी सैंडल थी। उसकी सैंडल की एड़ियां काफी घिसी हुई थी।
शाबाश गर्म गर्म पापड़ 50 पैसे में 50 पैसे। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। आप कौन है? बेहतर था कि तुमने मुझसे ये ना पूछा होता, लेकिन अब पूछ लिया तो सुनो। मैं वही छोटा सा तकिया हूं जिसे बचपन में तुम अपने सीने से लगाए फिरती थी। मैं उन्हीं रंग बिरंगी चीज़ों का अक्स हूँ जिन्हें ओढ़ कर तुम मुल्लानी जी के यहाँ पढ़ने जाया करती थी, और मैं वही शरीर मामूजात भाई जिसके बारे में तुम्हें तुम्हारी क्लास फेलोज कैसी कैसी मज़े की बातें सुनाती थी। और अब मुझसे पूछती हो कि मेरा नाम क्या है। याद नहीं? जब तुम बोर्डिंग में रहा करती थी एक मर्तबा तुमने मुझे ख्वाब में देखा था और तुम अपनी उस्तानी की गर्विदा हो गई। हर सुबह स्कूल के बाग से कलियों की झोली भर कर तुम अपनी उस्तानी के इंतज़ार में साइंस रूम की सीढ़ियों पर बैठ जाया करती, मगर तुम्हें इंतज़ार उसी का होता था जिसे तुमने ख्वाब में देखा। और अब जबकि ये ख्वाब सच्चा हो गया है तो तुम मुझसे पूछती हो कि मैं कौन हूं। मैं अपनी अम्मी को पुकारती हूँ। तुम हर रोज कोठे पे आकर अपनी अम्मी को पुकारा करती हो मगर बुलाती किसी और को। तुम हर रोज रात को अपने नर्म और गुदास बिस्तर से मेरी तरफ आने का कसद करती हो, लेकिन तुमने अपनी पसलियों के अंदर दिल का एक ऐसा तोता पाल रखा है जो तुम्हें भयानक कहानियां सुना सुना कर डराता रहता है। क्या तुम उस वक्त अपनी अम्मी को पुकार कर ये नहीं कह सकती कि इस तोते की गर्दन मरोड़ दें? लेकिन तुम अपनी अम्मी को पुकारती ही तब तुम्हें आवाज देना नहीं आती, और अब भी अपनी अम्मी को आवाज देकर तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि वो एहतलाजे कल्ब की मरीज हैं और कई घंटों के बावजूद ये सीढ़ियां तय नहीं कर सकती। आखिर कब तक तुम यूं अपने आप को धोखा देती रहोगी? धोखा?
तुम खुद परेबी के सुनहरे जाल खुद ही बुनती हो और खुद ही उनमें उलझ कर रह जाती हो। उस रोज जब तुम्हारा गाढ़ा हुआ सफेद रुमाल हमारे कोठे पे आके गिरा था तो तुमने झल्ला कर कितनी जोर से कहा था कि क्या मुसीबत है। दरअसल तुम्हारा मतलब था कि ये कितनी बड़ी राहत। तुम राहत को उजागर करने के लिए अपने इर्द गिर्द मुसीबतों के पिघलते हुए अंबार लगाती हो। तुमने हर मुसरत की जानिब मनफियाना पेशकदमी की है और आज तक कर रही है, लेकिन मैंने कौन सी खुशी हासिल की है? मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि तुम कौन हो। तुम खुशियां हासिल करने के लिए छोटी छोटी छोल दाइयां नसब करती हो, लेकिन उनकी तनावें बड़ी कमजोर होती हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण दरवाजे की झरी में दाखिल होकर तुम्हें बेदार करके कहती है, उठो मैं तुम्हारे लिए खुशियां लाई हूं, तो तुम हड़बड़ाकर अपने तकिए के नीचे हाथ फेर के कहती हो कि मेरे कल की खुशियां कहां गईं। और इस तरह रोज तुम्हारी खुशियों का बैंक दिवालिया हो जाता। आसमान पर जब मेरी रूह ने तुम्हारी रूह से कहा था कि हम जमीन पर हम आगोश होंगी, तो तुम्हारी रूह रूहुल कुद के परों की तरह फड़फड़ाई और तुम मुझे लंका की पहाड़ियों में ढूंढने लगी। और आज जब हम इस मीनार पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो तुम मुझे पहचानने से भी माजूरी जाहिर कर रही हो। याद है जब टाइफाइड में मुब्तला होकर तुम अपनी जान से बेजार हो गई तो उस वक्त कौन तुम्हारे मुंह में थर्मामीटर डाल बालों भरी कलाई में रोलेक्स की घड़ी पर वक्त देखता रहा। आज तुम उस घड़ी को और उस कलाई को तो पहचान रही, लेकिन उस आदमी से ना मानो। तुम कलीम कैसे हो सकते? मैं नीचे जाना चाहती हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो। यहाँ से कोई रास्ता नीचे को नहीं जाता। हम तो तहतो सराह में खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यूं कहो आओ ऊपर चलें। लेकिन मुझे मालूम तुम ऊपर नहीं जा सको, तुम नीचे नहीं जा सकोगे। तुमने एक मर्तबा मुझे बुलाया था और टाल दिया, अब एक मर्तबा फिर बुलाया और फिर से झिझक रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता
तो शायद बुलाता ही ना। मैंने तुम्हें कब बुलाया है? अगर मुझे पता होता कि तुम इस मकाम पे हो तो मैं ऊपर आती ही ना, बल्कि मुझे अगर पता होता तो मैं तो मकबरे पे ही ना आती। मुझे क्या खबर थी कि तुम जैसे बदमाश बदमाश। हम जिसे जालिम कहते हैं वो दरअसल हमारा अपना प्यार होता है। हम जिसे मायूसी समझते हैं वो हमारी उभरती हुई आस की जमुर्दी कलगी होती है। और जिसे तुम बदमाश कहती हो वो तुम्हारा महबूब होता है। अगर तुम्हें किसी की महबूबा बनने की सआदत नसीब होती तो तुम यकीनन ऐसा ना कहती। लेकिन रोना तो यही है कि तुम बचपन से लेकर अब तक मोहब्बत करती आई हो और अपने बुढ़ापे में भी अपने आशकाना जज्बात से ग्रेज ना कर पाओगी। पता नहीं अब तुम मुझे पहचानते हुए भी ना पहचानने की कोशिश क्यों कर रही हो। तुमने बड़ी मुश्किल से रेलगाड़ी की छत से बल्ब चुराया है और अब उसे फिर से उसी जगह लगा देने का सोच रही हो। इस तरह तुम दो चोरियां करोगे, एक रेलगाड़ी की और दूसरी उस चोर की जिसने ये कुमकुमा चुराया। मेरी फूफी भी मेरे साथ हैं और मैं उनके लड़के से मंसूब हो चुकी हूँ। तुम क्यों? तुम उसी से मंसूब हो जिसका इंतजार तुमने साइंस रूम की सीढ़ियों पे किया था। तुम उसी से ब्याह ही जाओगी जिसके लिए लंका की पहाड़ियों में तुम मारी मारी फिरी हो। तुम्हारे फूफीजाद भाई का वजूद महज एक हादसा है। मोटर पहले जमजमा के चबूतरे से टकराती है और फिर हादसा उसे उलट कर उसके मडगार्ड और बत्तियां तोड़ देता है। मुझे मालूम ना था कि दीवाना मकबरा जहांगीर के मीनार में छुपा है। अगर तुम पागल हो। तुम वाकई पागल हो, लेकिन तुम इस मीनार में छुपी हुई नहीं हो बल्कि इस पे खड़ी होकर इर्द गिर्द की चीजों को रोशनी बख्श रही हो। तुम ही तो जहांगीर जिसने अपनी सल्तनत अपनी महबूबा के हाथों शराब के एक प्याले और पाव भर कबाबों के एवज पेश दिए। लेकिन तुम्हारी महबूबा को ये सौदा किस कदर महंगा पड़ा। उधर देखो, तुम्हारी महबूबा इस सौदे में घाटा खाकर इतनी मलूम और इस कदर परेशान खड़ी है कि उसके तावीज की खाक बेच तिजारत की नजर हो चुकी। और अब तुम उसके नाम को भी खाक में मिलाने पे उतर आई हो और इतनी बुलंदी पे आकर बोली दे रही हो। तुम हमारे पड़ोसी तो नहीं हो? तुम मेरी पड़ोसी हो। मेरे मकान के इर्द गिर्द जो कोई भी रहता है वो मेरा पड़ोसी है, मगर मैं
भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ताजर है और ताजर ऐसी चीजें नहीं पाला करते जिनमें खासा नफा ना हो। एक दफा कमरा इम्तिहान में मैं सवाल हल कर रही थी और आपने अचानक आकर मुझे गुदगुदाया। मैंने जलकर कहा कि आपने तो वादा किया था कि अब नहीं आऊंगा, तो आपने कसम खा के कहा कि मैं नहीं आया हूं, ये तुम्हारा वहम है। तो फिर मैंने तंग आकर कहा कि कितना झूठ बोलते हैं आप, जहन्नुम में जाएंगे। आपको मेरी बात का मतलब समझ आ गया था? नहीं। आपसे मिलने की तमन्ना एक चिंगारी बन के सुलगती रही और फौरन भड़क उठी और आग के नारंगी शोलों में मैं दिन रात चलती रही। मैं भी आपको उसी जहन्नुम में पहुंचाना चाहती थी। तुम्हारी बातें तो बहेलियां हैं, और मैं सिर्फ सीधी सादी बातें समझने की अहलियत रखता हूं। तुम्हारे मामले को क्यों कर हल कर पाता? फिर हम दोनों नीचे बैठे, मैंने उसकी गोद में सर रख दिया। थोड़ी ही देर बाद हमें सीढ़ियों से कदमों की चाप और फूले हुए सांसों से बातें करने की आवाजें आने लगी। मैंने उसकी गोद में से सर उठाया और उखड़ बैठ गया। मैंने घबराई हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में सुकून और लबों पे हल्की ही सी मुस्कुराहट थी। ये देखिए अंगूठी है, और मेरी जिंदगी खत्म करने के लिए काफी है। इस तरह मैं अपनी अम्मी और फूफो की ताना मीज बातें सुनने से बच जाऊंगी। और फिर उसे अंगूठी छीन ली। Nothing in the world is sick. All things by a Lord divine. In another's being mingled. Why not? I will.
ये टाइम्स का क्या मतलब? आपसे रिश्ता